नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, रोटी का सिर्फ एक टोटका ही बदल देगा आपकी जिंदगी, पैसों से लेकर घर की सारी टेंशन होगी दूर। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान की तीन जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। धार्मिक साहित्यों में व्यक्ति की कामयाबी में ग्रह नक्षत्र का बड़ा योगदान माना जाता है। ग्रहों की स्थिति अगर ठीक ना हो तो उसका बुरा प्रभाव सीधे व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके अपनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कतें जैसी की तैसी बनी रहती हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि पेट भरने वाली रोटी जीवन में सकारात्मकता भी ला सकती है। रोटी से जुड़े कुछ ऐसे टोटके हैं जो हैरान कर देने वाले हैं, तो आइए पढ़ते हैं ऐसे ही उपाय। कालसर पपित्र दोष हो सकता है दूर। घर में सबसे पहली रोटी सेंकने के बाद उसमें देसी घी लगाएं और फिर उसके चार टुकड़े कर लें। अब चारों टुकड़ों के ऊपर कुछ मीठा जैसे कि खीर, गुड़ या फिर चीनी रख लें। अब इसमें से एक एक टुकड़ा गाय, कुत्ते, कौवे और भिखारी को दे दें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय के जरिए गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष दूर होता है, कुत्ते को रोटी खिलने से शत्रु भय दूर होता है। प्रार्थना करते हुए मन ही मन बोलें, यमराज का अनुसरण करने वाले श्याम और शबल को मैं यह अन्न का भाग देता हूँ, वह इस भोजन को ग्रहण करें। कौवे को रोटी देने से पितृदोष और कालसर्प दोष दूर होगा। रोटी का आखिरी टुकड़ा किसी भूखे को भोजन के साथ खिला दें, ऐसा करने से आर्थिक कष्ट दूर होगा। इसके बाद बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे। चींटियों को खाने के लिए रखे रोटी। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग रही तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और अब इसमें चीनी मिलाकर चींटियों को खाने के लिए उनके बिल के आसपास डाल दें। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय से आपकी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। करियर और नौकरी में आ रही है रुकावट। अगर आप करियर को लेकर चिंतित हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपको ये उपाय करके देखना चाहिए। इसके लिए रोटी के बर्तन से नीचे से तीसरे नंबर की रोटी ले लें। इसके बाद तेल की कटोरी में अपनी बीच वाली और तर्जनी उंगली को एक साथ डुबा दें। फिर दोनों उंगलियों से रोटी पर एक साथ लाइन खींच दें। अब बिना कुछ बोले इस रोटी को दो रंग वाले किसी कुत्ते को डाल दें। इस उपाय को आप गुरुवार या रविवार को करें तो अच्छा रहेगा। घर में कलह रहती है तो करें ये उपाय। यदि आपके घर में हमेशा कलेश रहती है तो आप रोटी से जुड़े चमत्कारी उपाय को जरूर अपना कर देखें। दोपहर को रोटी बनाते समय पहले सिकी रोटी तो उसे गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते को जरूर निकाल दें। इस रोटी को भोजन से पहले गाय और कुत्ते को खिलाने की कोशिश करें। यदि अगर ये संभव न हो उसे बाद में भी खिला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।